इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स की जाल में फंस गए। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में मेहमान टीम इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मेहमान टीम इंग्लैंड बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। टीम ने 57 ओवर 4 गेंदों में 218 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही टीम इंडिया को आसान लक्ष्य मिला। जैक क्रॉली ने सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने 108 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 प्लस का स्कोर भी नहीं बना पाया। कप्तान बेन स्टोक्स खाता तक नहीं खोल पाए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, जबकि 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। दिन का खेल खत्म होने से पहले टीम इंडिया ने पहली पारी का आगाज किया। टीम ने 30 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। टीम को पहली पारी में बढ़त हासिल करने के लिए अभी भी 83 रन की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित ने 77 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 56 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा 52 रन और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहे। इंग्लैंड के शोएब बशीर ने 1 विकेट अपने नाम किया।